गुलशन हिंद को सींचा है लहू से अपने, गुलशन हिंद को सींचा है लहू से अपने, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने देंगे। गुलशन हिंद को सींचा है लहू से अपने, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने देंगे। जिस्म के कितने भी हो जाएं हमारे टुकड़े, हम कभी मुल्क के टुकड़े नहीं होने देंगे। जिस्म के कितने भी हो जाएं हमारे टुकड़े, हम कभी मुल्क के टुकड़े नहीं होने देंगे, हम कभी मुल्क के टुकड़े नहीं होने देंगे। आई हजरात, ये बड़ी खूबसूरती की बात है आपके इस मुशायरे की कि मुशायरा आगाज से जहां से शुरू हुआ, जहां जहां जिस शायर ने अपना कलाम पेश किया, वहां वहां वो हर शायर कामयाब हुआ। कोई भी शायर ऐसा नहीं इस मुशायरे का जो अब तक फ्लॉप हुआ हो या आपने अपनी मोहब्बतों से नवाजा हो। ये वाकई इस मुशायरे की कामयाबी की भी दलील है और आपकी ये मोहब्बतों की भी दलील है। आइए हजरात इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और गुलशन पाठक साहब के बाद आइए मध्य प्रदेश के अदबी शहर उज्जैन की तरफ तशरीफ ले चलते हैं, उज्जैन की तरफ रुख करते हैं। और उज्जैन से ताल्लुक रखने वाला वो मुमताज मुतरनिम शायर जिसके कलाम में जिंदगी के तमाम मरासिम का जिक्र है, जिसके कलाम में जिंदगी की तमाम पेचीदा कैफियत का जिक्र है, जिसके कलाम में हमारे कल्चर, हमारे माशरे, हमारे संस्कृति के जिक्र के साथ साथ हमारे माशरे में होने वाली खराबियों के लिए हमारे नौजवानों के लिए नसीहतें भी मौजूद रहती हैं। उस शायर का ताल्लुक उज्जैन की सरजमी से है। रह के बंगले में भी अखलाक न भूले अपना, रह के बंगले में भी अखलाक न भूले अपना, घर से जाने दिए सड़कों पे उजाले हमने, हमने हर दौर में इंसान से मोहब्बत की है, दौलत आई है तो कुत्ते नहीं पाले हमने, हमने हर दौर में इंसान से मोहब्बत की है, दौलत आई है तो कुत्ते नहीं पाले हमने। जोरदार तालियों से अपने मेहमान मुतरनिम शायर जनाब सिराज अहमद सिराज का इस्तकबाल कीजिए कि वो तशरीफ लाए और अपने गजलियात से हम सभी को नवाजें। सरजमीने अकबर को सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर आजम साहब का, जनाब कादर भाई का, जिनकी मोहब्बतों से आपके हुजूर में मैं हाजिर हुआ। दोस्तों, इस आस्थान आलिया में ये बहुत खूबसूरत मुशायरा तमाम मौजूद शुरा तशरीफ रखते हैं, आपकी समातें हमारे साथ हैं। आइए बात कौमी एकता से शुरू करता हूँ, उसके बाद अपनी अर्ज किया है कि खुदा अब तो अंधेरों में उजाले कर दे। वाह वाह वाह, खुदा अब तो अंधेरों में उजाले कर दे, अब तो अंधेरों में उजाले कर दे, हौसले दे के समंदर के हवाले कर दे। क्या कहने, वाह ए खुदा अब तो अंधेरों में उजाले कर दे, हौसले दे के समंदर के हवाले कर दे, हम तो मोती हैं मगर बिखरे हुए रहते हैं, हम तो मोती हैं मगर बिखरे हुए रहते हैं, इल्तिजा है हमें धागों के हवाले कर दे। दोस्तों, चार मिसरे और अर्ज करा उसके बाद मुतन अस्काय के कभी दरिया से बांधा है। क्या कहते तमाम शुरा के खास तौर वाह वाह वाह, कभी दरिया से बांधा है, कभी दरिया से बांधा है, कभी कश्ती से बांधा है। क्या क्या, कभी दरिया से बांधा है, कभी कश्ती से बांधा है, हर एक शे को खुदा ने वक्त की चक्की से बांधा है। क्या कहे, वाह वाह वाह, कभी दरिया से बांधा है, कभी कश्ती से बांधा है, हर एक शे को खुदा ने वक्त की चक्की से बांधा है। करम करम है ये मेरे रब का, मुझे खुददारियां देकर मेरी गुर्बत को भी ईमान की रस्सी से बांधा। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, मेरे रब का मुझे खुददारियां देकर मेरी गुर्बत। आइए दोस्तों, यहां से चार मिसरे का आगाज कराऊं। जी इरशाद, इरशाद। गरीबी किस कदर मजबूर कर देती है इंसान। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, गरीबी किस कदर मजबूर कर देती है इंसान को, किस कदर मजबूर कर देती है इंसान को।
वाह वो खुशियां बेच देता है, उमंगें बेच देता है। वाह 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 वा, बिलखते भूखे बच्चों के लिए फुटपाथ पर जाकर वो गुब्बारों में भर कर अपनी सांसें बेच देता है। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। वाह 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 सिराज अहमद साहब, वाह 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 वाह। दोबारा सुनना चाहते हैं तो जोरदार तालियों से जरा एहसास दिलाइए। वाह 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 वाह, पढ़िए पढ़िए। वाह वाह वाह। गरीबी किस कदर क्या कहने, मजबूर कर देती है इंसान को, वो खुशियां बेच देता है, उमंगे बे। दोस्तों एक बात ये अर्ज करता चलू, ये अदबी मुशायरा है, इसमें पैसे का ये रिवाज नहीं होता। आप अपनी मोहब्बतों का अगर इजहार करना है एक बार भाई के साथ इजाज़त दे, या फिर अपनी मोहब्बतों का इजहार कर सकते हैं। बस आप सुने, मैं मोहब्बत सुनिए, जो कर सुनिए इसे। गरीबी किस कदर मजबूर कर देती है इंसान को, क्या कहे, वो खुशियां बेच देता है, उमंगे बेच देता है। बिलखते भूखे बच्चों के लिए फुटपाथ पर जाकर वो गुब्बारों में भर कर अपनी सांसें बेच देता है, में भर कर अप। और एक बड़ा सब्जेक्ट है आज का, जी इरशाद, बड़ा सब्जेक्ट है। क्या कहने, वाह पढ़ते रहिए, पढ़िए सरासर, पढ़िए। चार मिस्र और इरशाद। सर से आंचल नहीं फिसलता है, सर से आंचल नहीं फिसलता है, खास तौर से देखें, सर से आंचल नहीं फिसलता है। क्या कहने, दिल में फिर है तराम पलता है। क्या कहने, वाह वाह। बहन नजरें झुका के चलती है, बहन नजरें झुका के चलती है, भाई तब सर उठा के चलता। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। मोहब्बत है आपकी, क्या अच्छा है सिराज अहमद साहब। वाह वाह वाह, सर से आंचल नहीं फिसलता है, दिल में फिर है तराम पलता है, बहन नजरें झुका के चलती है, भाई तब सर उठा के चलता है, भाई तब सर उठा के चलता है। दोस्त एक गजल हाजिर करने की इजाजत चाहता, एक बार मुझे इजाजत दें कि मैं गजल पढ़ूं, जोर से बजना है। देखिए मैं, हिलाल ने मुझसे कहा कि सर आपको आना है, वो इसलिए कि मुशायरा आप लोग बैठे हैं, मुशायरा मुशायरा बन जाए, मैं भी चाहता हूं कि मुशायरा ऐसे मुशायरा, मेरे बाद बहुत शायर बैठे हैं,
में शायरात बैठी है, लगना चाहिए इनको मुशायरा, गजल का मतलब हासिल करा। क्या कहें, बड़ी बड़ी नए मौसम को ढलने में, नए मौसम को ढलने में जरा सी देर लगती है। वाह वाह वाह, नए मौसम को ढलने में जरा सी देर लगती, जरा सी देर लगती है। चरागे इश्क जलने में जरा सी देर लगती है। बचा कर रख किनारे पर तू इस छोटी सी कश्ती को, समंदर को मचलने में जरा सी देर लगती है। समंदर को मचलने में जरा सी देर लगती है। और ये शेर दोस्तों आपके बतौर अमानत आपके में छोड़ के जा रहा हूं मैं। अगर ईमान है जिंदा, अगर ईमान है जिंदा, खुदा पर है यकीन जिसको। वाह 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 वाह, क्या कहते हैं। अगर ईमान है जिंदा, खुदा पर है जिसको, उसे गिर कर संभलने में जरा सी देर लगती है। वाह वाह, अगर ईमान है जिंदा, खुदा पर है यकीन जिस। क्या कहने दोस्तों, बात ईमान की है। अगर आप वाकई इसकी तारीफ करते हैं, जोरदार तालियों से अपने तारीफ कीजिए। जिंदा खुदा पर है यकीन जिसको, उसे गिर कर संभलने में जरा सी देर लगती है। चरागे इश्क जलने में जरा सी देर लगती। दोस्तों शेर हाजिर कर रहा हूं जी, अता हूं इरशाद। कभी फूलों, कभी फूलों के जैसे लोग भी लगते हैं पत्थर। क्या अच्छा मिसरा है, वाह सुनिए दोस्तों। कभी फूलों के जैसे लोग भी लगते हैं पत्थर से। वाह, कभी फूलों के जैसे लोग भी लगते हैं पत्थर से। कभी पत्थर पिघलने में जरा सी देर लगती है। कभी पत्थर पिघलने में जरा सी देर। और शेर पढ़ा हूं दोस्तों, क्या कहने। वाह वाह वाह, संभल कर तुम, संभल कर तुम कदम रखना जरा शोहरत की राहों में। क्या कह रहे हैं, वाह 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 वाह। संभल कर तुम कदम रखना जरा शोहरत की राहों में। यहाँ पाऊं फिसलने में जरा सी देर लगती है। यहाँ पाऊं फिसलने में
जरा सी देर लगती है चरागे इश्क जलने में, जरा सी देर। दोस्तों आखिरी शेर आप सबके हवाले करा, जिरशा दे दे। न इज्जत पर न दौलत पर न शोहरत पर तू इतराना, न इज्जत पर न दौलत पर न शोहरत पर तू इतराना, न इज्जत पर न दौलत पर न शोहरत पर तू इतराना, हवा का रुख बदलने में जरा सी दे क्या कहें।